कि सीरियल इस स्टैंडर्ड का बनता होगा, हमने तो बिल्कुल फिल्म की तरह शूट किया, बिकॉज बच्चों को भी हमको भी शुरू से आदत पड़ी हुई है फाइव स्टार होटल में खाना खाने की, तो हम तो ढाबा में नहीं खा सकते पेट वही है, रोटी वही है, आटा वही है, लेकिन स्टाइल तो नहीं बदल सकते। और रियली आई हैव टू सन प्रमोद जी बोकाड़िया एंड राजेश जी, और दोनों अच्छा काम कर रहे हैं, तो एक बाप के लिए उससे ज़्यादा क्या खुशी होगी। और राजेश बाबू की यह पहली अटेम्प्ट है, और इसमें बहुत राजेश रियली योर डन वंडरफुल, बहुत अच्छा किया। और आपने और हमने इनको एक ही बात बोला यार, ये बीएमबी के लेवल का थोड़ा ध्यान रखना मेहरबानी करके, पैसा तो हम कभी भी कमा लेंगे, नहीं कमाया कम कमाया ज़्यादा कमाया चलेगा, एक नहीं तो रजनीकांत को हाथ जोड़ लेंगे, 100 करोड़ वहाँ कमा लेंगे, लेकिन यह नाम थोड़ा अच्छा रखना। और ये आप यकीन करें, मैं ये पहले मतलब दूरदर्शन की हिस्ट्री में भी या किसी फिल्म लाइन के प्रोड्यूसर की हिस्ट्री में भी पहला होगा कि हमने सीरियल शुरू कर दिया, शूटिंग कर दी, करोड़ों रुपया लगा दिया, और लेटर तो मैं समझता हूँ 5 दिन पहले अप्रूवल आया, और ये सब घबरा रहे थे कि भाई अब लेटर आया नहीं शुरू कर रहे हैं। हमने कहा यार सब जबान के सौदे होते हैं, सब लिखा पढ़ी तो हुई है, हमने तो हर एक्टर के साथ रिलीज होती थी तब एग्रीमेंट बनते थे। तो मैं प्रहलाद जी और रजीत जी तमाम, मैं नाम नहीं जानता बट आप सब ने अच्छा काम किया, मैनन साहब वगैरह सब जो भी है, कोई नाराज मत होना, मैं सबकी इतनी रेस्पेक्ट करता हूँ, सब ने बहुत अच्छा काम किया। और हमारे कैमरामैन साहब का है, कैमरामैन का भी है, हैं आकाश जी हो ना, अरे आपके बिना अंधेरा ही अंधेरा है, आइए प्लीज आइए आगे आइए, राजेश बैठा है, आपने भी दिल से बहुत अच्छा काम किया। और थोड़ा दिन तो पहले 2-3 दिन तो लगा यार, मेरे ये सब काले काले कपड़े लगा रहा यार, इनके जगह ही नहीं, इतनी लाइटें मंगा रहा, मैं कहीं चुप रहे यार करने दे, अगर जब रिजल्ट आया तब लगा, बाकी गुड प्रदीप जी सब ने अच्छा काम किया। तो आप बस ये 10 तारीख से एयर पे आ रही है, और आप लोगों ने दिल से काम किया और हमने भी दिल से बनाया, बस आप दुआ करें अच्छी जाए, और पहला डेब्यू है हमारा, तो हम लोग भी चाहेंगे कि हमारी इज्जत बरकरार रहे, और अच्छे से राजेश बाबू यू आर रियली डन वंडरफुल, और मैं चाहूँगा राजेश आकर दो शब्द बोले। थैंक यू वेरी मच, गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज आवर लेबर ऑफ लव एंड हार्ड वर्क, बाकी तो पापा ने बोला ही है, प्लीज ब्लेस अस, थैंक यू राजेश जी, प्लीज बोलना यूसुफ की तरफ से ये शेर के मुंह में हाथ हटाना फयाज हो गए। सो दैट आई हैव टू सैल्यूट द प्रोड्यूसर कि आपने ऐसी चीज को पर्दे पर लाने की हामी भरी, वो उतने आप में ही काबिल-ए-तारीफ है। हर एक प्रदर्शन की नींव लेखनी होती है, अगर ये नहीं होती, इनकी किताब नहीं होती, तो ये गाड़ी भी आगे नहीं बढ़ती, हम सब बाद में आते हैं। बट आई एम फॉर्चुनेट कि दयाल जी आकाश जी के साथ कई सालों से काम किया है, तो एक तरह का ट्रस्ट है उनके साथ में, हमारी आर्ग्यूमेंट्स होती है, बहस होती है, लेकिन लक्ष्य वही है कि हमें अच्छी चीज बनानी है, चाहे जितनी लड़ाई हो जाए, वो कभी उसे कभी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। एंड देन आई एम फॉर्चुनेट आई हैव वंडरफुल को एक्टर्स, राजेश श्री सचदेव यहाँ नहीं है, जो मणि बहन का किरदार निभा रही है, राकेश चतुर्वेदी है, राजेश खेड़ा है यहाँ पे, वे हैव मिस्टर माउंटबेटन, वेयर इज ही, इज नॉट हियर। मुझे 2 साल पहले किसी ने पूछा था कि आपने नेहरू किया है, गांधी किया है, मोदी जी किया है, भुट्टो किया है, सरदार पटेल नहीं किया। अब मेरे पास जवाब नहीं था, लेकिन आज मेरे पास जवाब है कि अब सरदार पटेल नहीं किया। तभी मैं कुछ कह नहीं पाया, बस सोच रहा था, हाँ पता नहीं आएगा, मौका मिलेगा नहीं, पर वो सोच विचार जो है आज वो हकीकत है। सो एज आई सेड, इट्स नॉट ईजी। अगर मैं आम आदमी के तौर से बोलूं तो यार बड़ी बड़ी है, बट कोशिश चाहिए, अकेले किसी एक बस की बात नहीं। अगर हम एज अ टीम, एज अ कलेक्टिव एफर्ट, एक परिवार की तरह इसको जोड़ के, एक दूसरे का हाथ पकड़ के नहीं करें, तो ये नहीं बन सकता, इम्पॉसिबल।
So it is a joint, it is a collective team effort of everyone and every department, and thank you. Let's hope that it reaches out to our audience or log iska maza utha sake to achhi baat hogi. Thank you. वेलकम मैम, थैंक यू. मेरे लिए तो ये बहुत इमोशनल मोमेंट है क्योंकि मैं तो कुछ 7-8 साल से इसके ऊपर काम कर रही हूँ, और जब मैंने सरदार पटेल के बारे में पढ़ना शुरू किया, एक्चुअली प्ले करना था, और तब मुझे ये पता चला हिस्ट्री पढ़ते पढ़ते कि उन्होंने इतना बड़ा काम किया, 565 स्टेट्स को भारत में मिलाने का इतना बड़ा काम है. अगर ये नहीं करते तो आज जो भारत है वो नहीं होता. तो मुझे ये बात कहनी थी, लोगों तक पहुंचानी थी. आप सब जानते हैं किताब का तो एक लिमिटेड ऑडियंस तक ही पहुंच पाती है, तो मेरे लिए तो ये सरदार पटेल का मेरे हाथों से तर्पण हो रहा है, ऐसी मुझे भावना हो रही है. और उस और कभी सोचा नहीं था कि ये किताब इस तरह लोगों तक पहुंचेगी. आई एम रियली थैंकफुल टू बुकाड़िया जी, राजेश भाई, दयाल जी, रजीत जी एंड ऑल द स्टार्स की ये बात लोगों तक पहुंच रही है. आई एम सॉरी आई बिकम इमोशनल, बट आई हैव वर्क्ड ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर 8 इयर्स, 8 लॉन्ग इयर्स. लेकिन इस बुक पे जो बेस किए सीगल है उसमें जो किरदार है उनको, मतलब एक हिस्ट्री को रिक्रिएट करना, हिस्ट्री बना नहीं रहे हम लोग, हिस्ट्री को रिक्रिएट कर रहे हैं. उस रिक्रिएट करना और पॉलिटिकली करेक्ट रहना ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है. अगर ये अगर हम नहीं निभा पाए तो हमें कुछ अचीव नहीं कर पाए, तो इस ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जो हमने अपने सर पर ली है और उसको पूरी तरीके से निभाएंगे. नमस्कार, मेरा नाम राकेश चतुर्वेदी ओम है और मैं इसमें वीपी मेनन का किरदार निभा रहा हूँ. मेरा मानना है कि सिनेमा, सीरियल, वेब सीरीज ये अपने आप में जब बनाए जाते हैं तो अपने आप में एक हिस्ट्री लिख रहे होते हैं, और ऐसे में एक हिस्ट्री को उठा करके उसकी हिस्ट्री बनाना, तो मैं अपने आप को बहुत ही लकी समझता हूँ कि मुझे ऐसे किरदार को निभाने का मौका मिला. राजेश जी, दयाल जी और केसी सर, राजेश, सबके के सानिध्य में काम करने का मौका मिल रहा है, और आई होप कि जो हिस्ट्री हम सब मिलके क्रिएट करने जा रहे हैं वो लोगों को पसंद आए और लोग उन चीज़ों के बारे में जाने जो, जैसा कि गीता जी ने कहा कि जिस चीज़ को उन्होंने लाने की कोशिश की वो सब तक पहुँचे, लोग हमारे इतिहास के बारे में जाने, यही मेरी आशा है, उम्मीद है. एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. गुड इवनिंग एवरीबॉडी. तो मैं इतना ही कहूँगा कि ये एजुकेशनल प्रोग्राम भी है जिसके थ्रू जो मैंने हिस्ट्री किताबों में पढ़ा था, ज़्यादा बताया नहीं गया था हमें. मुझे इस सीरीज के द्वारा पता चला है कि 565 प्रिंसली स्टेट्स थे और फिर कैसे सरदार जी ने उन्हें भारत में शामिल किया. तो एक किस्म से बहुत इंटरेस्टिंग एजुकेशन है क्योंकि मुझे हिस्ट्री में थोड़ा मतलब इंटरेस्ट है. तो आई एम वेरी हैप्पी कि आई एम पार्ट ऑफ दिस ग्रेट सीरीज. एंड अब किस किस के नाम लो, I'm very glad that I'm part of this and I pray that our efforts run line. Thank you. Mr. Rick, please play. Again. Well, I do speak in English and also Hindi, because I've been teaching Hindi in Vancouver, Canada. So it was not new to me, it was very easy for me. But then मैं प्रयत्न करूंगा कि आपके सामने हिंदी में बात करूं, कोशिश करता हूं कि मैं डायलॉग्स प्रॉपरली बोलूं और
I keep asking many of these actors, कैसे याद रखते, how do you remember? And then my problem was, मैं किरदार में जाता हूँ तो dialogues बोल जाता हूँ. And that is a problem which I have to overcome. So over the years, he said to me, no, just keep acting. And that is a solution. And then that is the solution I'm working for. And then I was more than welcome when I saw that I would be getting the part of Lord Mountbatten. It was like I have heard him in my histories where he had done a history, but then I'm back in history to do something which he has done. It's a great pleasure, I take great pride to be doing all this in front of you. And also learning a lot of Hindi as I do this role, and progressively we'll be learning more Hindi as I complete the show. Thank you so much. Coincidentally, Rajesh ji ko malum hai, Gopal ji, Sindhya ji ko malum hai. Royal Sand mein, A Wing mein, last JJ Creation ki film, screenplay mein likha tha, Gitan dialogue likha. To uske baad, अभी ये फिल्म में हम जुड़े हैं. तो यहाँ ये बुक के साथ, क्योंकि जब गीता ने रिसर्च शुरू किया राजीव जी, उस वक्त से मैं इसमें जुड़ा हूँ. फिर मिड डे में एज नॉवेल पब्लिश की, फिर अमित जी ने जब बुक लॉन्च किया तब भी मैं वहाँ था. अभी हम शायद आप लोग ने पेपर्स में भी देखा होगा, एस जयशंकर जी ने इंग्लिश बुक अनवेल की. तो अमित जी से लेके जयशंकर जी तो खुद एक ब्यूरोक्रेट इतने बड़े थे, उन्होंने बोला कि गीता जी, उन्होंने ट्वीट भी किया तुरंत कि आपने बहुत ही बड़ा एक काम किया है कि सरदार. और उन्होंने भी कुछ गीता में सजेस्ट किया कि आप इतनी बड़ी सीरियल बना जा रहे हैं. तो मुझे एक आनंद है और गीता की तरह मैं भी इमोशनल हूँ, क्योंकि हम लोग काफ़ी इसमें इसके साथ जुड़े हुए हैं. लेकिन इतनी थकावट पर सबसे ज्यादा मैं राजेश जी की तालियां बोलूंगा, क्योंकि उनको और दयाल जी, ये लोग की राउंड द क्लॉक, और हम लोग भी कभी कभी बात गूगल मीट पे, तो एक इतने थकान के बाद हमें आज एक इमोशनल होने का और मिलने का चांस मिला. थैंक यू. वैसे तो ये सीरियल करना एक हिस्ट्री को रिक्रिएट कर रहे हैं, बट एक पार्ट ऐसा है कि हम लोग खुद भी एक हिस्ट्री बनाने खुद बनने जा रहे हैं, क्योंकि शायद 10 साल बाद भी लोग जब ये देखेंगे तो शायद ये देख के उनको रियलाइज होगा कि क्या चीज़ था जो हमको आज तक पता नहीं था. तो ये जैसे इसका नाम है द गेम चेंजर, मुझे लगता है ये माइंड चेंजर भी होगा. कई लोग का माइंड चेंज करेगा कि जो चीज़ हम लोग को नहीं पता था कि आज ये जो इंडिया अखंड भारत है वो किस वजह से है. तो शायद ये माइंड चेंजर. हमारे एक और आर्टिस्ट हैं. गुड इवनिंग, मेरा नाम है भूपेश हसीन. मैं टीवी सीरीज में बशीर हुसैन जैदी का कैरेक्टर निभा रहा हूँ. इतनी बड़ी सीरीज है, किसी बुकाड़िया जी को, राजेश बुकाड़िया जी को, विनोद जी को और दयाल साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने इस सीरीज का मुझे पार्ट होने का मौका मिला. और कहते हैं ना, ख्वाहिशों से नहीं गिरते फूल झोली में, ख्वाहिशों से नहीं गिरते फूल झोली में, कर्म की शाख से उसको हिलाना होगा. कुछ नहीं होगा अंधेरों को कोसने से, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना. मुझे इसमें काम करके बहुत अच्छा लग रहा है और सीखने को मिल रहा है और चैलेंजिंग है हमारे लिए. ऐसे सब्जेक्ट पर काम कर रहा हूँ मैं हमारे सबके साथ. आई एम प्राउड दैट आई एम द पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट एंड थैंक यू फॉर कमिंग हियर एवरीवन. मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि मुझे सरदार पटेल का किरदार निभाने का मौका मिलेगा. 2 साल से, हाँ, आपने तो हर एक पॉलिटिशियन का ही आप रोल करते हैं. आपने गांधी भी किया, नेहरू भी किया, भुट्टो किया, मोदी जी भी कर लिया, सरदार का नहीं करेंगे आप? मेरे पास कभी जवाब नहीं था. और इस विचार को केसी बोकाडिया साहब ने हकीकत में बदल दिया जब वो मेरे ऑफिस में आए थे. बस उन्होंने जाते समय एक ही लाइन कही थी कि ये तो आप ही को करना होगा. बट तभी भी मैंने नहीं सोचा था कि ये हो पाएगा, बिकॉज ये इसे बनाना आसान नहीं है. जैसा मैंने कहा, किसी प्रोड्यूसर के लिए शेर के मुंह में हाथ जाना है. बट फाइनली इट इज़ अ टीम एफर्ट. इसकी नींव, इसकी शुरुआत इसकी लेखनी से होती है और फिर धीरे धीरे गाड़ी पटरी पर चलने लगती है. और ये सब सबके सहयोग के बिना नहीं हो सकता, चाहे वो छोटे से छोटा स्पॉट बॉय क्यों ना हो.
it is all a collective effort to actually make it happen. And ho raha hai, ho gaya hai. अभी शो 10 तारीख से आ रहा है शो, कितनी एक्साइटमेंट है आप मतलब आपके लिए तो रोज आपका प्ले भी है परसों? नहीं अभी इसके बारे में तो मैं नहीं सोच सकता. अब जब हम शूटिंग करते हैं तो रातों की नींद कभी कभी हराम हो जाती है ज़्यादातर प्रोड्यूसरों के लिए, लेकिन हमारे साथ भी ऐसा होता है. लाइनें सही बैठे नहीं बैठे, जो न्यूएंसेस हम लाना चाहे वो हो पाएगा नहीं हो पाएगा, आज की शूट हो पाएगी नहीं हो पाएगी, इसी चक्रव्यूह में हम अभिनेता के रूप में फंसे ही रहते हैं. एक ऐसे सरदार पटेल, आपने तो पूरा रिसर्च भी किया सबके बारे में, क्या मैसेज देना चाहेंगे मीडिया के माध्यम से? आप रिसर्च तो मैंने बिल्कुल नहीं किया, वो गीता जी और उनके डिपार्टमेंट ने किया है. मेरा काम एज एन अभिनेता है कि उस किरदार में रंग भरना. तो मेरे हिसाब से मेरी जिम्मेदारी ये है कि सरदार पटेल, उनका जो एसेंस है, उनकी जो मनोवृत्ति है, वो सामने रखना, वो मेरे लिए चैलेंजिंग है. उनकी तरह देखना, ना तो मैं गांधी की तरह दिखता हूं, ना नेहरू की तरह, ना सरदार की तरह, लेकिन उनके कश्मकश को, उनकी मनोवृत्ति को अपनाना और उसका प्रदर्शन करना, ये मेरा काम है और मैं इसी में जुड़ा हूं और कोशिश करूंगा अपनी तरफ से इसे मैं ढंग से कर पाऊं. थैंक यू. जर्नी, इस तरीके की जर्नी तो कुछ लंबी सी रही है. मैंने अपना करियर शुरू किया था श्याम बेनेगल साहब के साथ, तो उनके साथ मैंने बोस जो सीरियल उन्होंने बनाई थी, फिल्म भी जो बनाई थी, उसमें भी काम किया था. और फिर एक जो संविधान करके एक सीरियल बनी थी, उसमें भी मैं श्याम बेनेगल के साथ था. तो उस जर्नी के साथ निभाते 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 ये भी हमारे हाथ में आ गई. तो बिल्कुल मैंने तो लपक ली इस सीरियल को, क्योंकि इसका इस तरीके की हिस्टोरिकल सीरियल बनाने का मैं काफ़ी शौकीन रहा हूँ. कास्टिंग के बारे में क्या कहना चाहिए? कास्टिंग करने की कितनी मुश्किलें आपको झेलनी पड़ी या बहुत जल्दी कास्टिंग हो पाई? बहुत डिफिकल्ट जॉब है, लेकिन इसका दूसरा कोई शॉर्टकट नहीं है. हमें कास्टिंग करनी ही है, हमें वो कैरेक्टर्स चाहिए ही चाहिए, तो हमें वो कैरेक्टर्स लाने ही होंगे, निकालने ही होंगे. सब एक्टर्स को ढूंढना होगा और कैरेक्टर्स को लाना ही पड़ेगा. थैंक यू सर. हाँ, थैंक यू. 16 अगस्त डायरेक्ट एक्शन डे होगा. तो ये विलेन वाली लुक मुझसे, मतलब मैं चाहता नहीं था कि मैं विलेन वाली लुक दूं, लेकिन डायरेक्टर दयाल जी ने कहा नहीं तू विलेन है तो तू विलेन वाली लुक दे. एनीवेज, जोक्स अपार्ट, तो थोड़ा होमवर्क किया था, लेकिन जिना साहब की ज्यादा फुटेज तो है नहीं. यूट्यूब में जो भी मैंने फुटेज देखी तो उसमें बहुत ही वो धीरे बोलने वाले इंसान थे, तो अगर उन्हें वैसे कॉपी किया जाता तो मतलब वो कोई नहीं बैठता, सारे चले जाते उठ के टीवी के सामने से. तो वो थोड़ी सी लिबर्टी ली है कि उनको इतना स्लोली डिलीवरी ना दी जाए डायलॉग्स की. और मैं मतलब जिना साहब ऑब्वियसली ना हमें हिस्ट्री बुक्स में बताया गया कि वो बिसाइड्स कि वो सिर्फ वो एक नेता थे जो पाकिस्तान चाहते थे, उनके उसके अलावा उनके बारे में कुछ ज़्यादा हमें लिखा बताया नहीं गया. तो यू मतलब थोड़ी रिसर्च की, उसमें भी कुछ खास पता नहीं चला, बस ये है कि बहुत ही टिप टॉप रहते थे, बहुत ही सोफेस्टिकेटेड थे, सिगरेट पीते रहते थे. तो मैं चाहता था कि मैं भी सिगरेट पीऊँ, लेकिन दूरदर्शन है तो सिगरेट पीना अलाउड नहीं है. एनीवेज, तो दयाल जी के सुपरविजन में पूरी ईमानदारी से ये रोल निभाया है. उम्मीद करता हूँ कि सबको पसंद आएगा और ये सीरीज जो हम इतने प्यार से बना रहे हैं वो सबको पसंद आएगी. जैसे डेली सॉन्ग्स चलते हैं उसके बीच में ये भी आएगा, तो
तो मतलब आप लोगों को बहुत बांधना पड़ेगा, लोगों की वेट करेंगे, रामायण की वेट करते थे, महाभारत की वेट करते थे, सरदार द चेंजिंग गेम, द गेम चेंजर का वेट करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, खास करके ऑनेस्टली स्पीकिंग ये जो करंट यूथ जेनरेशन है उनको इल्म भी नहीं है आजादी के समय के नेताओं की और उनकी जर्नी जो रही है, तो मुझे उम्मीद है कि ऐसा कुछ उनमें एक इच्छा पैदा होगी कि हाँ इसके इस सीरीज के माध्यम वो जाने कि हिस्ट्री वाकई में क्या थी, सरदार पटेल कौन थे, फलाना कौन था, ढलाना कौन था। और क्योंकि सरदार पटेल जी का कैरेक्टर इतना स्ट्रॉन्ग, इतना इंटरेस्टिंग है, कहने का मतलब है आज़ादी तो हो गई लेकिन हिंदुस्तान अभी भी बटा हुआ है, तो उनको साथ में कैसे लाया जाए, जो कि बहुत ही बड़ा रोल है। और वो जो मतलब जो आसान काम नहीं है आपको समझाना कि देखिए आप हिंदुस्तान के साथ आइए, पाकिस्तान में मत जाइए, देखिए, तो मतलब बहुत ही ट्रिकी सिचुएशन रही होगी उनके लिए, मतलब ऐसे अंदाज लगाना बहुत मुश्किल है। तो इस हम रजत जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं एज सरदार पटेल, वो शायद मुझे भी हम सबको बताए कि भाई ये मुझे शब्द नहीं मिल रहे हैं, वी हैज टू स्टेप इनटू सरदार पटेल शूज टू अंडरस्टैंड कि भाई क्या सिनारियो है, इसे कैसे संभाला जाए, नहीं तो हिंदुस्तान टूट जाएगा। तो आई एम श्योर कि ऑडियंस वेट करेगी अगले एक एक हफ्ते की कि अच्छा आगे क्या हुआ, अच्छा आगे क्या हुआ, मुझे ऐसा लगता है। थैंक यू, साइन करना होगा 15 अगस्त से पहले, नहीं तो आपको खामियाजा भुगतना होगा। Tell about the character you are playing, Mountbatten. So how important, how great you are feeling from inside, because it's a very important character in the series. He had to deal with everyone, like everyone, all the characters in this Sardar the Game Changer. He made efforts so that he could bring India together. They had different intentions. Unke paas different intentions the, ideas different the. But then, even then, he made India come together. He was very influenced by Mr. Sardar Patel. The politics he played, the ideas he had. He could see Sardar as a very sorted person, multi-sorted person, play current. And Lord Mountbatten had a lot to do. Like, unko jaake har kisi ko convince karna tha. Then he made it happen because he was in good terms with India. So that is a journey which every one of you would love to see. Ye ek journey hai jo aap dekhna chahenge. Or like what happened next? What happened next is a curiosity which you'll remember always. Right. Actor ke liye aap wahan pe Vancouver mein logon ko Hindi sikhate hain. Right. So how you got this role? I do VFX. I'm a 3D animator, and then with that purpose, I've come to India. I came to India as a backpacker. I've come to India, and then I started seeing VFX things. Then one person, one talent, picked me up and then said, "Ki, would you like to work as a foreigner? Like, would you like to work, put your part as a character artist?" I said, "Okay, I can give it a try. May try kar sakta." And then from there, the journey began. So I acted in my first movie, that was Shivaji, the Rajnikant movie. The Rajnikant. Yeah. And then from there on, the whole journey has come here, to the poster, right? So that is my whole journey up till now. All the best for your new journey. Thank you so much. Yeah. They have BMB production, group of the BMB, 50 years ho gaya, and more than, I think, 60s. 60-65 पिक्चरें की होगी अभी, दो एक सीरियल जो सरदार पटेल आप है, ये हमारी कंपनी के लिए बहुत, वी आर एक्साइटेड बिकॉज राजेश जी बुकाड़िया ने किया है, और मैं आई एम सो हैप्पी। बाप जब बेटा आगे बढ़ता है तो बाप को सबसे ज़्यादा खुशी होती है, तो मैं तो एक्चुअली हिदा मालिक, मैं इसका प्रोडक्शन मैनेजर हूँ लेकिन ये काम तो बोलता है नहीं, वो डांटता रहता है कि आप मेरे को इंटरफेयर नहीं करना, बट आई लव हिम, आई रेस्पेक्ट हिम, और मैं, मुझे इतनी खुशी है कि इतना बढ़िया इसने काम किया विद ऑल लिमिटेशन,
उसके बावजूद भी ही हैज प्रूव्ड समथिंग, ही हैज डन वंडरफुल, और सब ने अच्छा काम किया, आर्टिस्ट वगैरह, गीता जी, और सब ने बेसिकली गीता जी का ये मटेरियल भी इतना अच्छा, और ये राजेश भी किधर से ढूंढ के लेके आया, सरदार पटेल जी, और फिर अच्छा हुआ सब मिला के 10 तारीख को लॉन्च हो रहा है, तो आप लोग सब देखिएगा। और हमने बिल्कुल अपने बीएमबी की एक रेस्पेक्ट को बरकरार रखने की कोशिश की है, लोगों में जो फीलिंग है, और मैं समझता हूँ आज छोटे पर्दे पे भी केसी बोगाड़िया की पिक्चरों की बहुत टीआरपी है, इसीलिए कोई भी दिन आप देखो तो 2-3 पिक्चर टीवी पे होती होती है, इसका मतलब सबसे हाईएस्ट टीआरपी हमारी है। कई पिक्चरें, नसीब अपना अपना, तेरी मेहरबानी, आप प्यार चुकता नहीं, आज का अर्जुन, फूल बने अंगारे, हम तुम्हारे हैं सनम, बहुत किया, और इसमें एक्साइटमेंट इसलिए है कि टीवी का हमारा पहला काम है, पहला डेब्यू है हमारी कंपनी का, और अब बस ईश्वर की कृपा है, और ये इन लोगों ने बहुत मेहनत की और इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। जिसने भी टीवी इसका ट्रेलर देखा है, कम से कम 100 में से 110 आदमी का, इसका मतलब समझ लीजिए ओवर मोर देन 100% लोगों का अप्रिसिएशन मिलता है कि इन्होंने बहुत अच्छा किया, और ये लगता नहीं है कि कोई सीरियल का काम है। तो मैं सब तमाम मेरी टीम को धन्यवाद देता हूँ, और आप सब बस अच्छा सा थोड़ा सपोर्ट कर दें, और ये बड़े पुण्य का काम होगा अगर सरदार पटेल साहब के बारे में जैसे जैसे लोगों को अवेयरनेस होगी, ये रियली एक करेक्टर, एक मैन, एक आदमी, इसको ऐसे ही नहीं आयरन लो पुरुष बोला गया, कितना इसको मुश्किलात का सामना करना पड़ा होगा, मतलब एक दो घर के मेंबर को भी साथ रखना मुश्किल होता है, 550 रियासत को जोड़ना, और उसमें किसी तरह कई तरह के लोग आए होंगे, कई क्लाइमैक्स हुए होंगे, कोई राजी, कोई बेराजी, कोई नाराज, उसके बावजूद भी सबको लाके और सबको जोड़ के एक हिंदुस्तान बना दिया। तो जहाँ भी सरदार पटेल साहब आप हैं, आपकी आत्मा को भगवान शांति दे, और पूरा हिंदुस्तान आपका एहसान मंद है कि आपने इस इतने खूबसूरत के हिंदुस्तान के नक्शे को देश के सामने प्रस्तुत किया। देखिए सबसे ज्यादा मैं धन्यवाद दूरदर्शन दिल्ली वालों का देता हूँ, और स्पेशली हमारे श्री गौरव साहब, श्री कंचन, श्रीमती कंचन जी, और तमाम डीके सिंह जी, संजय सिंह जी, तमाम वहाँ के दूरदर्शन वालों ने इतना सपोर्ट किया दिल खोल के, तन मन धन से, और इतना रेस्पेक्ट दिया, वही रेस्पेक्ट से होके हम एक्साइटेड होके किए, तो दूरदर्शन का ही श्रेय है, और दूरदर्शन वालों के सपोर्ट से इतना अच्छा बन सका है। तो मैं वंस अगेन आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड बहुत बहुत धन्यवाद सीओ साहब श्री गौरव जी, गौरव त्रिवेदी जी, कंचन प्रसाद जी, उनकी पूरी टीम, डीके सिंह जी, संजय जी, और तमाम लोग, और सब डीपी सिंह जी, सबको मैं सर पूरे बोकाड़िया परिवार, पूरे बीएमबी ग्रुप, पूरे हमारे यूनिट की तरफ से आप सबको धन्यवाद देता हूँ। आपने बहुत हम पे जो एतबार, जो भरोसा किया है, उससे हम 21 नहीं 25 ही उतरेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। क्या कहेंगे? सरदार पटेल कहा करते थे, उन्होंने कोई किताब नहीं लिखी, एक 40 पेज की किताब लिखी है सिर्फ सरदार पटेल साहब ने, तो वो मणिबेन से अपनी बेटी से कहा करते थे कि जब हम इतिहास का सर्जन कर सकते हैं तो लिखने में समय क्यों गंवाएं। उन्होंने जो इतिहास का सर्जन किया वो 75 साल तक किसी ने एक फॉर्म में इस तरह से प्रेजेंट नहीं किया, और वो करने का मुझे मौका मिला, वो किताब में कर पाई, और जैसे मैंने कहा कि किताब की एक रीच कुछ लोगों तक होती है, बट टीवी के माध्यम से ये बहुत लोगों तक पहुंच पाता है, और मैं बहुत ही दिल से शुक्रगुजार हूँ वोकाड़िया साहब का, राजेश भाई का, उन्होंने जो मतलब मैंने कभी सोचा भी नहीं था, और जिस तरह से वो ये प्रोडक्शन कर रहे हैं, मैं कह नहीं सकती कि इतना बढ़िया काम जो हो रहा है, और ये पूरे मेरे प्रोजेक्ट में मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ मेरे स्क्रीन प्ले राइटर आशु पटेल, वो भी यहाँ पर है, विरल राज, और ये एक अकेले से होने वाली बात भी नहीं थी, क्योंकि इसमें इतना रिसर्च करना था, तो मेरे साथ शुरू से राधा कारिया है, वो मेरे साथ जुड़ी हुई थी, खुशाली दवे वो अभी जुड़ी हुई है, तो रिसर्च का भी हम लोग कुछ अभी भी काम हमारा चल ही रहा है,
और ये बुक के लिए भी मैंने कुछ 4-4.5 साल रिसर्च किया है, और बहुत ही खुशी हो रही है कि मुझे अपना काम पहुंच रहा है, उसकी तो खुशी है ही, पर सरदार पटेल की बात जो कि हमें कभी स्कूल्स में सिखाई नहीं गई, बताई नहीं गई, इतनी बड़ी बात की, वो अगर वो ना होते तो आज ये भारत नहीं होता, शायद वो टुकड़ों टुकड़ों में बट गया होता, शायद हम फिर से गुलाम हुए होते, ये सारी बातें हमें बताई नहीं गई, और मैं उसके लिए एक माध्यम बन रही हूँ लोगों तक ये बात पहुंचाने के लिए, तो उसके लिए मुझे बहुत खुशी हो रही है, और सच में ईश्वर की बहुत कृपा है कि पूरी टीम, रजित जी हो, राकेश चतुर्वेदी हो, आकाश जी हो, दयाल जी हो, मतलब इतनी अच्छी टीम बन गई है, तो लगता है कि कहीं डेस्टिनी ही चाहती है कि ये बात हमारे देशवासियों तक पहुंचे। सर, मैं सरदार पटेल पे हमेशा से एक सीरीज बनाना चाहता था, तो हमारे कॉमन दोस्त है डैनी हमको मिले, तो मैंने बोला यार सरदार पटेल की जीवनी के बारे में कोई जानते नहीं है, उन्होंने इंडिया को यूनिफाई किया, इतना काम किया, तो ये चीज़ इंडिया के लोगों को मालूम पड़नी चाहिए। तो उन्होंने मुझे गीता मनिक जी का नाम दिया और उनकी बुक सरदार द गेम चेंजर दी। वहाँ से मैंने बुक पढ़ी, मुझे बुक बहुत अच्छी लगी, मैंने बुक के राइट्स लिए, फिर मैं रजत जी के पास गया कि सरदार पटेल आपको करना है, रजत जी को भी अच्छा लगा, फिर दयाल जी बोर्ड पे आया एज अ डायरेक्टर, तो ऐसे करके कारवां शामिल होता गया और सीरियल स्टार्ट हुआ। सर, आपकी जो पुराने रिपीट पिक्चर थे चमक रहा था, पिक्चर हर अलग छाप रहा, इस नया शो की स्टार्ट करने चमक रहे उमंग के साथ कर रहे, आपको वनीला की दूरदर्शन के साथ भी अलावा भी कुछ कहाँ का आप मतलब लेके गए जो प्रोजेक्ट? नहीं, हम दूरदर्शन में ही लेके गए और गौरव जी को हमने पिच किया, गौरव जी को बहुत अच्छा लगा, कंचन जी ने हामी भरी, फिर हमने इसको प्रोसीड किया, क्योंकि आज भी दूरदर्शन की जो रीच है गाँव में, जो रूरल एरिया में है, इतने सब्सक्राइबर्स है, तो वो जो देश की कहानी है उन तक पहुंचना जरूरी है, तो दूरदर्शन वॉज द ओनली फोकस, पर हमने इसको बनाया वेब सीरीज और फिल्म की तरह, ये सीरियल की तरह बिल्कुल नहीं बनाया। उनको देख के लग रहा है पुराने जमाने में सर ने बोला कि रामायण चंद्रकांत हुआ करता था, कृष्ण हुआ करता था, सर एक्साइटमेंट लग रहा है, कहीं किसी से कॉल आया कि एक्साइटमेंट है देखने के लिए, बड़ा इच्छा है देखने की? बहुत कॉल्स आ रहे हैं, बहुत कॉल्स आ रहे हैं, बहुत सारे OTT से कॉल्स आ रहे हैं, तो ये तो खैर दूरदर्शन के लिए, आगे देखते हैं, आगे कुछ करेंगे दूसरे OTT प्लेटफॉर्म पे। आपकी सोच है मोदी के साथ प्रभा ऐसा लग रहा है, क्योंकि वो भी सरदार पटेल बहुत बड़ा फैन है। हाँ, मोदी जी सरदार पटेल को बहुत रेस्पेक्ट करते, करना ही चाहिए, हमारे लौह पुरुष है, आज हम लोग एक स्टेट से दूसरे स्टेट बिना वीजा के जा रहे हैं, सरदार पटेल की मेहरबानी है। राजेश जी, आपसे एक सवाल करना, आज भी देश के तमाम जगहों से चाहे डेमोक्रेसी के लोग हो चाहे पॉलिटिशियन की आवाज आती है, अगर देश के पहले प्रधानमंत्री सरदार पटेल जी होते तो देश का आज कुछ नजरिया दूसरा होता, क्या करते? देखिए, वो होम मिनिस्टर तो थे और 1.5-2 साल बाद उनका देहांत भी हो गया, तो जो हिस्ट्री में ये सब हम लोग जान नहीं सकते कि वो होते तो ऐसा होता, ये होता तो ऐसा होता, तो उसका कुछ, नेहरू जी भी हमारे ग्रेट प्राइम मिनिस्टर थे तो उनको भी रेस्पेक्ट करना चाहिए। ये बात सही है, दो वर्ष हार गया था सरदार पटेल। सर, उसमें नहीं जाऊंगा मैं, मैं बता रहा हूँ ना, मुझे पहले से हमेशा से था कि लोगों को मालूम पड़ना चाहिए कि सरदार ने यूनिफाई किया इंडिया को, अगर सरदार नहीं होते तो आज इंडिया अलग अलग हिस्सों में होता, तो वो स्टोरी किसी को तो बोलनी थी, तो गीता जी मिली, गीता जी की बुक बहुत प्रभावित किया बुक ने, तो फिर हम लोगों ने उसको बनाया। आप पिक्चर भी करने वाले हो, डायरेक्ट करने वाले, प्रोड्यूस किया, डायरेक्ट भी करने वाले? अभी फिलहाल नहीं, फिलहाल प्रोडक्शन का ही इरादा है। तो मूवी को चार देखने को मिलेगा, वो मेरा डर भी कुछ? बिल्कुल, मूवी हमारी तैयार है, सिग्नेचर Z5 पे आ रही है, बोस्टन में बेस्ट फॉरेन फिल्म जीती है अभी। एपिसोड्स 52 एपिसोड्स है, 10 मार्च से सुबह 11:30 बजे और रात को 10 बजे फिर रिपीट होगा, वीकली है ये, संडे रविवार सुबह 11:30 बजे और रात को 10 बजे। हाँ, थैंक यू, थैंक यू।